कानपुर देहात के सिकंदरा में संदिग्ध हालत में 42 वर्षीय एक महिला का शव मिला। मायके के लोगों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं महिला के भाई ने बहन का हालचाल लेने के लिए फोन किया था, फोन पति ने उठाया था। इसके बाद से पति घर से फरार है। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो वहीं मायके वालों का कहना है कि पति किसी अन्य महिला के संपर्क में था। पत्नी अक्सर उसे मना करती थी, लेकिन वह नहीं मानने को तैयार था। मायके वालों के अनुसार पति ने ही साले को फोन पर बताया था कि तुम्हारी बहन मरी पड़ी है, जो कुछ मेरा कर सको कर लेना। मामला तहसील सिकंदराबाद थाना डेरापुर के गांव हतमा का है। यहां 42 वर्षीय महिला निशा देवी पत्नी दया शंकर कटियार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर पड़ा मिला। पति दया शंकर फरार है। वहीं पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं महिला के परिवार वालों ने बताया कि दया शंकर आए दिन शराब पीकर उनकी बेटी से मारपीट करता था और उसके किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध भी थे। इसके साथ ही मायके वालों ने यह भी बताया कि शुक्रवार की रात को शराब के नशे में पति द्वारा महिला की मारपीट की गई थी। महिला के भाई रमाकांत ने बताया कि सुबह जब उसने अपनी बहन से बात करने के लिए फोन किया तो दया शंकर ने कहा कि वह खाना बना रही है। बाद में दया शंकर द्वारा फोन करके अवगत कराया गया कि तुम्हारी बहन मरी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।